रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी रह गई थी। अच्छा जी, तो ये जो सेशन है इसके अंदर हम कुछ ये चीजें कवर कर रहे होंगे, डिफाइन और डिस्क्राइब डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.7, 4.8 फ्रेमवर्क आ चुका है डॉट नेट का। 4.7 तक हम ये डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब सी शार्प 7.1, सी शार्प का 7.1 वर्जन जो है वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। विजुअल स्टूडियो 2017 या 2017 का जो एनवायरनमेंट है उसको देखेंगे। मैं तो 2019 यूज़ कर रहा होता हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली ऑनलाइन डाउनलोड करता हूँ, तो 2019 डाउनलोड करता हूँ मैं, और आप लोग कर सकते हो उससे पहले के वर्जन, कोई मसला नहीं है और हो जाते हैं इंटरनेट में। अच्छा, डॉट नेट फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है, सही है? तो डॉट नेट फ्रेमवर्क या कोई भी फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या होता है, जब आपको कोई एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, ठीक है, और अब आप क्या करते हो, उस एनवायरनमेंट की मदद से एप्लीकेशन बनाते हो, ठीक है। वो जो एनवायरनमेंट आपकी हेल्प कर रहा होता है उसमें पहले से टूल्स होते हैं, पहले से टेक्निक्स और टूल्स ऐसे होते हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन को थोड़ा सा फास्ट और थोड़ा सा एफिशिएंट बना सकते हो, ठीक है, इनको जल्दी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब वही आपको 2 महीने लग रहे हैं जो पहले बिल्कुल नोट पैड के ऊपर लगते थे, नहीं, अब जो काम होगा थोड़ा सा जल्दी होगा, आपको एनवायरनमेंट और टूल्स मिल रहे हैं, अब क्या करोगे, वो टूल्स यूज करते हुए अपने एप्लीकेशन को जल्दी डेवलप करते हो, ठीक है। तो इट इज अ रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर एप्लीकेशन डेवलपर, ठीक है, एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया डेवलपर्स के लिए, ठीक है, जो कि एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उनके लिए। द डॉट नेट फ्रेमवर्क इंक्लूड्स सेवरल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट सिंप्लीफाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये क्या कर रही होती है, बहुत सारी जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है, बहुत सारे ऐसे टूल्स और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज को बेसिकली ये समझ लो कि इंक्लूड करता है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, अपनी वेबसाइट की डेवलपमेंट या अपनी एप्लीकेशन की जो डेवलपमेंट है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। डॉट नेट फ्रेमवर्क कैन बी यूज टू डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारी अलग अलग टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो उनकी डेवलपमेंट के लिए। सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन, यानी आप इसके अंदर सी शार्प भी लिख सकते हो, HTML, C++ ये सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये कुछ डॉट नेट के फ्रेमवर्क हैं, इनका यानी इनके जो वर्जन कह लो वो वर्जन रहेंगे, जिसके अंदर मेरे पास अगर देखा जाए तो डॉट नेट 1.0 से लेकर और डॉट नेट 4.7 तक यहाँ गिवन है, ठीक है। 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, उसके बाद 3.5 है, ठीक है, 3.5 का फिर एक और रिलीज आई थी, देन 4.5 और 4.6 और देन 4.7 है। ये सारे वर्जन है डॉट नेट के, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है जो आमतौर पर डेवलपमेंट में भी चल रहा होता है, ठीक है, 4.7.5 या इस तरह चल रहा होता है, ठीक है। डॉट नेट ने वैसे तो आप 4.8 भी रिलीज कर दिया है, लेकिन अभी भी लोग 4.7 में ज़्यादातर काम कर रहे हैं क्योंकि अभी 4.8 जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, यानी बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग 4.7 पे भी काम कर रहे होंगे, देखेंगे, अगर विजुअल स्टूडियो में 4.8 आया तो कर लेंगे, लेकिन अभी मैं प्रेफर करूंगा 4.7 में करने को। क्यों? क्योंकि अभी जो मोस्ट ऑफ द लेट इंडस्ट्री कह लो, मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स कह लो 4.7 में काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी मे भी हो सकता है 4.8 की जो रिलीज है वो स्टेबल ना हो उस तरह से। अच्छा, ये कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं किस चीज़ के डॉट नेट के फ्रेमवर्क के। सबसे पहला है जिसके अंदर कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो कि CIL है, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन कोड रिटन इन डॉट नेट कंपेटेबल लैंग्वेज इज कंपाइल्ड आउटपुट कोड इज इन द फॉर्म ऑफ MSIL कोड नाउ कॉल्ड एज CIL, ठीक है। अब जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, CIL कहलाता है। MSIL की फॉर्म में होता था ये कि जब कोई भी .NET की कंपेटेबल लैंग्वेज से कोड लिखा जाए और कंपाइल हो जाए और अब आउटपुट बन जाए, तो आउटपुट अगर किसी भी आउटपुट जो होता है वो उसने कहा है कि MSIL लैंग्वेज में होता है, जो कि अब CIL कहलाती है, यानी कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम यानी CLR,
ये क्या होता है जी, ये इसके बारे में बता रहे हैं कि बैकबोन ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क है विच मैनेजेस एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन एंड एक्ट एज एन एग्जीक्यूशन इंजन। जब हम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, हम सी में भी एक 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 कंपाइल कर रहे होते थे और देन फिर एग्जीक्यूट कर रहे होते थे, तो जो एग्जीक्यूशन होती है वो जो इंजन कर रहा होता है ना वो कहलाता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। वही के जब कोई भी डॉट नेट कंपेटेबल कोड जो कंपाइल होगा, या जब कोई भी डॉट नेट की लैंग्वेज कंपाइल होगी तो क्या होगा, जब एग्जीक्यूशन होगी तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो चीज एग्जीक्यूशन को होल्ड कर रही होती है, उसको उसको संभाल रही होती है, वो मेरा CLR यानी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम कहलाता है, और ये बैकबोन होती है डॉट नेट फ्रेमवर्क की। फिर डायनामिक लैंग्वेज रन टाइम होता है, ये क्या होता है जी, ये रन टाइम एनवायरमेंट बिल्ट ऑन टॉप ऑफ दी CLR, यानी ये CLR के भी टॉप के ऊपर बिल्ट होता है, ठीक है। और इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टू इनेबल इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ डायनामिक लैंग्वेज सच एज रूबी एंड पाइथन विद दी डॉट नेट फ्रेमवर्क। फिर इसी इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब होता है कि कनेक्शन बनाना, इनका कोई ताल्लुक बनाना आपस में, ठीक है। तो यानी मतलब यह है कि क्या होता है, ऑन टॉप ऑफ CLR होता है, और ये किसी भी अदर लैंग्वेज या ई में आप इस अगर बात कर लो तो मैनी अदर लैंग्वेजेस को इंटरऑपरेबिलिटी के साथ यानी कनेक्शन उनका ताल्लुक बनाने के बाद क्या करता है, ताकि वो डॉट नेट के साथ कंपेटेबल हो सकें, डॉट नेट के साथ सही चल सकें। क्योंकि डॉट नेट के अंदर यहाँ पे विजुअल स्टूडियो के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथन की भी कोडिंग कर सकता हूँ, इसलिए रूबी की भी कोडिंग कर सकता हूँ। रूबी रूबी एक लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। अच्छा, FCL यूज टू डेवलप एप्लीकेशन रेंजिंग फ्रॉम, देखो रेंजिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल कमांड लाइन टू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन दैट कैन बी यूज ऑन दी वेब। ये जो SCLA क्या कर रहा होता है, ये डेवलपमेंट ऑफ लेटर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एप्लीकेशन के अंदर काम आ रहा होता है, जो कि कमांड लाइन यानी वही कंसोल से लेकर और मॉडर्न वेब एप्लीकेशन जो कि यूजर इंटरफेस को भी डील कर रही होती हैं, उन तक को आपस में उन तक को डील कर रहा होता है, ठीक है, उन तक को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। फिर कॉमन टाइप सिस्टम, तो कॉमन टाइप सिस्टम क्या कर रहा होता है जी, ये प्रोवाइड द कॉमन वे टू डिस्क्राइब ऑल सपोर्टेड टाइप्स एंड एस्टेब्लिशेज अ फ्रेमवर्क फॉर क्रॉस लैंग्वेज। ये क्या कर रहा होता है, ये क्रॉस लैंग्वेज प्लेटफॉर्म जो, क्योंकि डॉट नेट, ये जो डॉट नेट है ये क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है, यानी आप iOS की डेवलपमेंट भी कर सकते हो। जैमरिन फॉर्म्स एक टेक्नोलॉजी है इसकी, जिसमें आप क्या कर सकते हो, जिसके थ्रू आप iOS यानी आईफोन की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जो एप्लीकेशन है वो भी डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना कॉमन टाइप सिस्टम, ये आपकी हेल्प कर रहा होता है उसके अंदर। अच्छा, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन रह गया हमारा CLS, ये क्या कर रहा होता है, सेट्स द रूल्स दैट एनी डॉट नेट लैंग्वेज शुड फॉलो टू क्रिएट एप्लीकेशन दैट आर इंटरऑपरेबल विद अदर लैंग्वेजेस, यानी वही के आपस में ऑपरेट कर सकें, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, ये सिस्टम हमारे लिए रूल्स बनाता है, ये वो कौन से रूल्स हैं जिन पे कोई भी लैंग्वेज जो है उस एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं, ताकि फिर वो दूसरी जो लैंग्वेजेज हैं जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म भी हैं, जो कि मतलब इंटरऑपरेबल है यानी बेसिकली ताल्लुक बनाने वाली हैं, एक जैसे काम कर सकती हैं, ठीक है, उस तरह की डॉट नेट की लैंग्वेज की तरह काम कर सकती हैं, उनकी लैंग्वेजेस के साथ हम किस तरह से कॉन्टेक्ट बना सकते हैं, तो ये काम हम यहाँ से कर रहे होते हैं। ये काम हम यहाँ से कर रहे होते हैं, सही है। अच्छा जी, इसके बाद फिर आ गया मेरे पास स्टैंडर्ड सिस्टम सर्विसेज, ठीक है। दिस डॉट नेट फ्रेमवर्क सपोर्ट स्टैंडर्ड सिस्टम सर्विसेज सच एज ADO डॉट नेट एंड XML। तो XML तो आपको पता है डेटा ट्रांसफर के लिए काम आती है, ADO डॉट नेट भी एक फ्रेमवर्क टाइप का होता है जो कि आपकी डेटाबेस की कनेक्टिविटी के अंदर काम आता है। हम इसको फर्दर पढ़ेंगे, हम जब वेब डेवलपमेंट कर रहे होंगे, वेब डेवलपमेंट जब हम पढ़ रहे होंगे तो तब हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल स्टार्टिंग में तो इसको पढ़ना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ADO डॉट नेट के अंदर यूजर इंटरफेस का काफ़ी अमल दखल होता है, और हम फिलहाल कंसोल स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम बिल्कुल कंसोल स्क्रीन या ब्लैक स्क्रीन के साथ ही काम कर रहे होंगे कुछ टाइम तक। बट जब हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके बेसिक चीज़ें सीख कर आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या होगा, हम देन आगे की नेक्स्ट चीज़ों पर जाएंगे, ठीक है। ये जी कोई डॉट नेट फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स इस तरह से यूज हो रहे होते हैं। कोई भी अगर एप्लीकेशन की बात कर लो, एप्लीकेशन बन रही है या कुछ कुछ भी काम कर रहे हैं, तो
ये सारे कंपोनेंट्स यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। इवन अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी एप्लीकेशन बन रही है, ठीक है, तो आपको इस तरह के कंपोनेंट्स यूज करने पड़ते हैं, या इस तरह के कंपोनेंट्स यूज करने पड़ते हैं, यानी इस तरह के कंपोनेंट्स यूज होते हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। जैसे .NET फ्रेमवर्क में मेरे पास कुछ चीजें हैं। अच्छा, .NET के फ्रेमवर्क के अंदर भी थोड़ी सी चीजें डिफाइंड है यहाँ पर, कि आप .NET के फ्रेमवर्क में कहाँ कहाँ कौन किस किस तरह के एप्लीकेशन बना सकते हो। तो देखो, सिंपल .NET फ्रेमवर्क के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, WFF, ठीक है, विंडोज फॉर्म और ASP.NET के एप्लीकेशन बना सकता हूँ, ठीक है, या MVC के एप्लीकेशन बना सकता हूँ। फिर .NET कोर के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, यूनिवर्सल विंडोज ऐप बना सकता हूँ और ASP.NET कोर एप्लीकेशन बना सकता हूँ। फिर ज़ैम्बियन के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एंड्रॉयड, iOS और iOS X एप्लीकेशन बना सकता हूँ। फिर .NET स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपाइलर्स हैं, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास रन टाइम कंपोनेंट्स हैं, और उसके बाद मेरे पास लैंग्वेजेस हैं। तो ओवरऑल जो .NET का फ्रेमवर्क है उसके अंदर ये चीज़ें आ गई। और अगर आप .NET के फ्रेमवर्क के ऊपर देखो, तो ये जो कंपोनेंट है, हम अभी जब एप्लीकेशन बनाएंगे ना तो दिखाऊंगा, इसके अंदर मैं इस तरह की एप्लीकेशन बना सकता हूँ, इसके अंदर मैं इस तरह की एप्लीकेशन बना सकता हूँ, जबकि मैं इसके अंदर इस तरह की अलग अलग एप्लीकेशन बना सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, जनरल .NET फीचर्स हैं, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है, ठीक है, इजी डेवलपमेंट है, इंटरऑपरेबिलिटी है, यानी वही के एक काम करने का पैटर्न, आप दो तीन लैंग्वेजेस का अगर सेम हो तो आप वो एक एक साथ काम कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूवमेंट्स है, तो यानी आप एक्सेस जो अपने फ्रेमवर्क को जो एक्सेस करते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवड है यहाँ पे, ये दूसरे फ्रेमवर्क की बनस्बत वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवड है और काफ़ी ज़्यादा आसान है, ये आप इसको कह सकते हो, ठीक है। फिर सपोर्ट फॉर .NET स्टैंडर्ड 2.0 है, यानी आप .NET जो 2.0 है ना, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो अभी इस वक्त भी, जबकि फीचर्स हैं वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद .NET फ्रेमवर्क है सेवरल इम्प्रूवमेंट्स दैट कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन के हिसाब से कुछ नई इम्प्रूवमेंट है इसके अंदर, ठीक है। मेरे ख्याल से इसको पढ़ लेना, थोड़ा सा ये बेसिक कुछ चीज़ें गिवन है यहाँ पर, इसको पढ़ लेना फिर मुझे बताना। अच्छा जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सही। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था यार, इंटरनेट की स्पीड तो मेरी सही आ रही है, मैंने अभी फ़ोन में चेक किया, ठीक है। खैर, मैं ये कह रहा था कि हम क्या कर रहे होते हैं, ये कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं जो कि मजीद .NET के फ्रेमवर्क में आई हैं, जैसे जैसे आगे बढ़े, तो ये एक मतलब रीड कर लेना, 4.7 के अंदर ये इम्प्रूवमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इम्प्रूव्ड हो गया है। इसके बाद सी शार्प की बात करते हैं, असल जो मेन जो बेसिकली हमारा काम है, ठीक है। तो सी शार्प इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ड्राइव फ्रॉम सी और सी प्लस प्लस, ठीक है। सी शार्प क्या एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हम फर्दर जब आगे कॉन्सेप्ट करते रहेंगे, आगे की क्लासेस के अंदर चलेंगे, तो आपको पता चलता रहेगा कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों कहते हैं इसे, ठीक है। अभी के लिए इतना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सी और सी प्लस प्लस से जरा वो, यानी ये सी फैमिली की एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि सी और सी प्लस प्लस से ड्राइव हुई है। सी हमने पढ़ी भी है तो हमें आसानी होगी इसको समझने में,
बस ये लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और सी लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है उस सेंस में, यानी वो सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कह सकते हो उसे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये आपको कुछ कंपनी प्रोडक्ट्स और कुछ डेवलपिंग की वेज प्रोवाइड करती है, ताकि आप एप्लीकेशन क्रिएट कर सको, डेवलप कर सको, बहुत सारी आसानियां आपको देती है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी देती है कि आप बकायदा स्ट्रक्चर के थ्रू काम कर सको पूरी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस एक ही फाइल बनाई उसी में सब कुछ करना है, आप अलग अलग फाइल्स के साथ काम कर सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू। फिर क्रिएट्स अ वेरी सिंपल एंड क्रिएट्स अ वेरी सिंपल एंड येट पावरफुल टूल फॉर बिल्डिंग इंटरप्राइज स्केलेबल एंड प्रॉपर एप्लीकेशन। ये जो सी शार्प है ना, ये सी शार्प यूज की जाती है इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए, यानी अच्छी, जिसे कहते हैं ना कि अच्छी प्रोफेशनल एप्लीकेशन के लिए सी शार्प को यूज किया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि सी शार्प का स्कोप नहीं है या पाकिस्तान में सी शार्प की जॉब नहीं मिल रही, तो यार मसला ये है कि सी शार्प जो यूज की जाती है, सी शार्प इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए यूज की जाती है, अच्छी प्रोफेशनल स्केलेबल रॉबस्ट एप्लीकेशन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, आपको सी शार्प आती है तो उसका मतलब है कि अगर आपको अच्छी सी शार्प आती है, आप एक अच्छे डेवलपर हो सी शार्प के, ठीक है, चाहे वेब में जाओ चाहे आप डेस्कटॉप में जाओ, आपको मिल सकती है जॉब। ये सब कहने की बातें होती हैं, और वाकई स्कोप तो है, और स्कोप तो वैसे भी हर उस चीज़ का होता है कि जिसका स्कोप मैं बनाने की कोशिश करूँ, जिसका जो चीज़ मुझे आती है ना, उसका स्कोप बिल्कुल मार्केट में होता है। ठीक है, फिर क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या है, हम समझेंगे इसको आगे चलिए। ये लैंग्वेज क्या होती है, मैंने आपको स्ट्रक्चर की बात की ना, कि आप स्ट्रक्चर के थ्रू काम कर सकते हो, कि आपने हर चीज़ का मॉड्यूल अलग बनाया हुआ है, कि अगर यूजर कुछ बाय कर रहा है वेबसाइट पर आके, तो उस फंक्शनैलिटी का मॉड्यूल अलग बना हुआ है, यूजर कुछ सेल कर रहा है उसका मॉड्यूल अलग बना हुआ है, ऐसा नहीं है सब कुछ एक ही फाइल में बना हुआ है। ठीक है, सब कुछ अलग अलग बन सकता है। हम रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एग्जाम्पल्स के थ्रू काम कर रहे होंगे, ठीक है, उनकी एग्जाम्पल्स के थ्रू हम काम कर रहे होंगे। इसके अलावा सपोर्ट पावरफुल कंपोनेंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है, यानी कंपोनेंट्स के साथ हम काम कर सकते हैं सी शार्प के अंदर, और अगर नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो तो उसके अंदर फिर आप मुश्किल है कि आप कंपोनेंट्स के साथ काम कर सको। ठीक है, जैसे एडियो डॉट नेट है, तो एडियो डॉट नेट भी एक कॉम्पोनेंट है, हम एडियो डॉट नेट के साथ काम करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अलाउ एक्सेस टू मेनी फीचर्स प्रीवियसली अवेलेबल ऑन सी प्लस प्लस वाइल रिटेनिंग दी ईज ऑफ यूज ऑफ अ रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल सच एज विजुअल बेसिक। यानी सी प्लस प्लस के लेट्स स्टाइल को लेकर आती है, प्रीवियसली जो फीचर्स है सी प्लस प्लस के, उन फीचर्स को लेकर आती है, लेकिन हाँ इसके अंदर क्या है, विजुअल बेसिक के भी फीचर्स अवेलेबल है, विजुअल बेसिक के भी जो फीचर्स है उसका स्टाइल है उसको ये भी ये रिटेन कर रही है। ठीक है, प्रोवाइड्स फेमिलरिटी टू प्रोग्रामर्स कमिंग फ्रॉम सी और सी प्लस प्लस। बिल्कुल सही बात है, अगर आप सी और सी प्लस प्लस से आ रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये जो लैंग्वेज है ये मिलती जुलती है उससे। ठीक है, अलाउज टू राइट एप्लीकेशन दैट टारगेट बोथ डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्लीकेशन डिवाइसेस। और वाकई इसमें ऐसा होता है कि आप क्या कर सकते हो, उस तरह से एप्लीकेशन डेवलप करो कि आपको मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के अंदर बाद में वो काम आ सके। ठीक है, आप जब उसको कन्वर्ट करने बैठो तो आपको मुश्किल है वो बहुत कम हो, और आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो आराम से। ठीक है, अच्छा कुछ एडवांटेजेस हैं सी शार्प के, क्रॉस लैंग्वेज सपोर्ट है, क्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रही होती है, आप आईओएस पे भी जो डेवलपमेंट है ना आप वो काम कर सकते हो इससे, आप आईओएस की डेवलपमेंट कर सकते हो सी शार्प के थ्रू, वरना हमने सुना था कि उसकी लैंग्वेज तो अलग होती है, उसका पूरा एनवायरनमेंट ही अलग होता है, लेकिन आप सी शार्प के थ्रू इसी विंडोज लैपटॉप पे आप आईओएस की डेवलपमेंट कर सकते हो। बस मसला ये जो रिजल्ट आप प्रीव्यू करोगे ना, उसके लिए आपको आईओएस का कोई फोन चाहिए होगा, क्योंकि वो जिस कर्नल पे चलती है वो आईओएस का कर्नल है, और वो हमारे विंडोज के लैपटॉप्स के अंदर नहीं होता। अब मेरे पास भी एंड्रॉयड फोन है, तो इस एंड्रॉयड के अंदर भी यकीन वो नहीं होता होगा। ठीक है, अच्छा क्रॉस लैंग्वेज सपोर्ट का मतलब है बेसिकली क्या, यही कि आप क्या कर सकते हो, लेट्स से सी शार्प, मैंने आपका सी शार्प का कोड आपने यहाँ लिखा, अब किसी और लैंग्वेज में जाके उसको यूज कर लो तो वो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द कोड रिटन इन एनी अदर डॉट नेट लैंग्वेज कैन बी इजीली यूज एंड इंटीग्रेटेड विद सी शार्प एप्लीकेशन। किसी भी और लैंग्वेज का कोड जो है वो भी अगर आप लिखोगे किसी और लैंग्वेज का, तो उस हिसाब के साथ इंटीग्रेट की जा सकती है। ठीक है, कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है, बिल्कुल कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जैसे डॉट नेट ऑफर्स एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर एक्सएमएल विच इज द प्रेफर्ड चॉइस फॉर फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन ओवर द
इंटरनेट डायरेक्ट जो XML है वो डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होती है। हम XML को यहाँ पे सही से देख देख पाएंगे कि किस तरह से हो रही होती है, उसकी एग्जाम्पल हम इंशाल्लाह यहाँ सही से देख पाएंगे। ठीक है, अच्छा सिंपल डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट वाकई बहुत सिंपल है इसकी, जो खासतौर पर डेस्कटॉप और जो आई इसकी जो क्या कह सकते हैं वो एप्लीकेशन की जो डिप्लॉयमेंट है वो बड़ी सिंपल है। यानी आप पब्लिश शो करते हो ना एप्लीकेशन को, बहुत सिंपल है। ठीक है, अच्छा डिप्लॉयमेंट ऑफ सी शार्प एप्लीकेशन इज मेड सिंपल बाई द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली। ठीक है, अच्छा एक्सएमएल डॉक्यूमेंटेशन, तो एक्सएमएल डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स कैन बी प्लेस इन एक्सएमएल फॉर्मेट। ठीक है, एंड कैन देन बी यूज एज नीडेड अ डॉक्यूमेंट, जब भी जरूरत पड़े आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कुछ फीचर्स हैं जो कि सी शार्प परफॉर्म कर रही होती है, या सी शार्प जो भी डेवलपर्स हैं वो रेफर करते हैं सी शार्प के, ये कुछ वो फीचर्स हैं। लेट्स से टाइप सेफ्टी चेकिंग है। अभी तक हम क्या कर रहे होते थे, हम जावास्क्रिप्ट जो पढ़ रहे थे उसमें कोई टाइप नहीं थी, सी लैंग्वेज जो पढ़ रहे थे उसमें टाइप्स थी बट उसमें स्ट्रिंग नहीं थे, यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे हर टाइप बहुत अलग अलग काम कर रही है। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन नहीं था, यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन है, हर चीज कोड एक्स्ट्रा नहीं लिखना पड़ता है यहाँ पर आपको, तो गार्बेज कलेक्शन हो जाती है, हर चीज का बार बार सेम ही चीज का बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता, तो क्या होता है एक ही चीज का मल्टीपल टाइम कोड नहीं लिखोगे तो क्या होगा, वो गार्बेज कोड ना कलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर स्टैंडर्डाइजेशन बाय यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, वो ECMA है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन इससे हुई भी है। ठीक है, जेनरिक टाइप्स और मेथड्स इटरेटर्स है, यहाँ आइटरेटर है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर है। अच्छा, स्टैटिक क्लासेस और पार्शियल क्लासेस बन सकती हैं यहाँ से। ठीक है, और एनोनिमस मेथड्स यहाँ बनते हैं, मेथड्स विद नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं यहाँ पे, मेथड्स विद ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं, नलेबल टाइप्स होती हैं यहाँ पे, एक्सेसिबिलिटीज होती हैं, ऑटो इम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे किस तरह से होती हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, और पैरेलल कंप्यूटिंग होती है, जैसे आप दो ऑब्जेक्ट्स बना के उससे पैरेलल काम कर सकते हो। सम एप्लीकेशन ऑफ सी शार्प आर एस फॉलोज, वेब एप्लीकेशन हो गई, वेब सर्विसेज हो गई, गेमिंग एप्लीकेशन हो गई, यूनिटी, अगर किसी ने नाम सुना हो तो यूनिटी गेमिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा मशहूर है। यूनिटी की जो एप्लीकेशन होती है वो सी शार्प में बन रही होती हैं। ठीक है, और लार्ज स्केल इंटरप्राइज एप्लीकेशन हो गई, इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन हो गई फॉर पॉकेट PCs और PDAs एंड सेलफोन्स, इन सब चीज़ों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, सिंपल स्टैंड अलोन डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गई, सच एज लाइब्रेरी मैनेजमेंट डेस्कटॉप के लिए एप्लीकेशन। लेट से आप ये जो मेरी पूरी विंडोज उस वक्त मैंने जो इंस्टॉल हुई है ना मेरे कंप्यूटर में, ये सी शार्प से बनी हुई है, सिंपल, अगर मैं बिल्कुल इसके आसान एग्जाम्पल लूँ। ठीक है, कोई भी नई डेस्कटॉप एप्लीकेशन करता हूँ इंस्टॉल, लेट से मैंने एक कंप्यूटर एक सिस्टम डाउनलोड किया, इंटरनेट से मैंने एक मैनेजमेंट सिस्टम डाउनलोड किया जिसके अंदर मैं सारे अपना जो डेटाबेस है ना वो ऐड करके और अपना कोई भी अगर मेरा रेस्टोरेंट है कोई होटल है उसको मैनेज कर सकता हूँ, तो वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहलाएगी स्टैंड अलोन। ठीक है, तो वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहलाती है। अच्छा, इसके अलावा लेट से मार्कशीट्स हो गई, अटेंडेंस हो गई, सारी चीजें जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर होती हैं, ये वेब एप्लीकेशन के अंदर भी होती हैं। फिर कॉमन कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन दैट कैन बी स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ सिटीज और कंट्रीज, इस तरह की एप्लीकेशन बन सकती है जो कि एक वास्ट नंबर ऑफ सिटीज और कंट्रीज के अंदर भी स्प्रेड की जा सकती है। सी शार्प के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है, क्लाउड एप्लीकेशन बन सकती हैं इसके अंदर, क्या आप डेटाबेस जो अपनी कहाँ रखो, आप डेटाबेस अपना रखो ऑनलाइन, MS Azure और उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, अच्छा जी, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज सी शार्प 7.1 इन अगस्त 2017 एज एन अपडेट फॉर विजुअल स्टूडियो 2017 विद सेवरल न्यू फीचर्स एडेड। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनहेंसमेंट ऑफ सम एग्जिस्टिंग फीचर्स, जिसके अंदर लोकल फंक्शंस और नेस्टेड फंक्शंस थे। ठीक है, बाइनरी लिटिल्स थे, डिजिट टेबलेशन थी, ठीक है, पैटर्न मैचिंग थी, रेफरेंस रिटर्न और रेफरेंस लोकल्स थे, टपल्स थी, ठीक है, थ्रू एक्सेप्शन थी, एक्सेप्शन जो बॉडीज मेंबर्स थे वो थे। ठीक है,
आउट वेरिएबल एनहेंसमेंट फॉर आउट था, ठीक है, आउट वेरिएबल थी। उसके अलावा डीकंस्ट्रक्टर था, ठीक है, इसकी अपडेट्स वगैरह जो इन्होंने वो दी थी। ठीक है, अब अगर विजुअल स्टूडियो पर आते हैं तो सी शार्प को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। विजुअल स्टूडियो पर आते हैं तो जी विजुअल स्टूडियो 2017 जो है वो बिल्ट इन सपोर्ट फॉर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए आता है। ठीक है, बेसिक डॉट नेट की लैंग्वेजेस विजुअल, सी शार्प, सी प्लस प्लस, एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक वो इसमें पहले से होती है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग विजुअल स्टूडियो इज दैट फॉर ऑल दी डॉट नेट कंपेटेबल लैंग्वेजेस दी सेम आई डी ई, ये बस ये अच्छी बात है। डिफरेंट लैंग्वेजेस जो कि डॉट नेट के साथ कंपेटेबल है, सेम आई डी ई यानी ये डॉट विजुअल स्टूडियो आप यूज कर सकते हो उनके साथ डिबग करने के लिए, उनके साथ एप्लीकेशन से एग्जीक्यूट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसका जो एनवायरनमेंट है ये हम देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ विजुअल स्टूडियो 2019 इंस्टॉल्ड है। आप 2017 इंस्टॉल करोगे तो पहले मैं स्लाइड में दिखा देता हूँ कि उसका स्टार्टअप कैसा होता है। देखो उसका स्टार्टअप तो शायद इन्होंने नहीं भी दिया हुआ, बिल्कुल नहीं दिया हुआ स्टार्टअप। स्टार्टअप नहीं दिया हुआ, स्टार्ट कर लेता है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। मैं अगर दिखाऊं ना इंटरनेट पे तो विजुअल स्टूडियो 2017 क्रिएटिंग एप्लीकेशन, देखो इस तरह का इंटरफेस आता है आपके सामने, इस तरह का इंटरफेस आता है, जबकि अभी ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैं करता हूँ ओपन हो जाएगा ये। तो ये देखो ये ओपन हुआ। यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे। तो आपने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो फिर क्या होगा, मैं यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करूंगा सी शार्प। ठीक है, लैंग्वेज के अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर मैं विंडोज सेलेक्ट करूंगा, बिल्कुल विंडोज चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं वेब की जगह क्या करूंगा, डेस्कटॉप नहीं फिलहाल कॉन्सोल। ठीक है, और यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, कॉन्सोल एप्लीकेशन डॉट नेट कोर, कॉन्सोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क। मैं डॉट नेट फ्रेमवर्क पे जाऊंगा अभी, नेक्स्ट कर देंगे। और अभी आप चाहो तो उसको रीनेम कर सकते हो। ठीक है, ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है, ये आपकी लोकेशन है, ये वर्क स्पेस कहलाती है, आप इसको चेंज कर सकते हो। ये आपका सॉल्यूशन नेम है यानी जिस नाम से आपका प्रोजेक्ट बनेगा वो सॉल्यूशन नेम यहाँ पर आता है, ये सेम है प्रोजेक्ट नेम होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखा, यहाँ पे डॉट नेट के फ्रेमवर्क की का ऑप्शन है कि कौन सा फ्रेमवर्क आप यूज करना चाह रहे हो। तो डॉट नेट का जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क मुझे दे रहा है यहाँ पे 4.7.2 है, 4.7 4.8 भी रिलीज कर चुके हैं, लेकिन अभी इतना स्टेबल नहीं होगा यकीन है, तो इन्होंने अभी यहाँ पे नहीं दिया, वरना अपडेट के अंदर ही दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं अभी कोई नाम चेंज नहीं करना चाह रहा। अब देखो लैंग्वेज सी शार्प, प्लेटफॉर्म विंडोज और कंसोल एप्लीकेशन है, तो क्रिएट कर लेते हैं विद दैट नेम जो मुझे विजुअल स्टूडियो ने खुद ही दिया। ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन एक क्रिएट हो जाएगी। अच्छा देखो अगर सिस्टम है तुम लोगों के पास कोड टू ड्यू, और प्रोसेसर मेरे पास था 3.0 का। एपटेक में भी हम जो प्रोसेसर हैं 2.9, 2.6 के भी, 2.4 के भी होते हैं। ठीक है, तो वो विजुअल स्टूडियो को चला लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि लैग करता ही है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोड टू ड्यूज हैं तो यार अगर पॉसिबल है, देखो और ज़्यादा एक्सपेंस नहीं हो रहा। ठीक है, तो टाइम मिले तो थोड़ा सा अपग्रेड कर लेना, i3 पे आ जाना, क्योंकि प्रोसेसर थोड़ा सा अच्छा होता है। और जनरेशन अगर पॉसिबल है तो कम से कम थर्ड जनरेशन लेना, सेकेंड या थर्ड जनरेशन मिनिमम लेना। ठीक है, और किसी के पास अगर पहले से है तो उसको ज़रूरत नहीं है। विजुअल स्टूडियो कोशिश करो कि 2015 से अबव डाउनलोड हो, 2017 अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, 2015 कम्युनिटी से अबव होना चाहिए। सही है, इससे नीचे का अगर होगा तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है।
बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। डेटाबेस कनेक्टिविटी का मसला होता है, लाइब्रेरीज के डाउनलोड होने का मसला होता है, पैकेजेस के इंस्टॉल होने का मसला होता है। आगे अभी नहीं होता, कंसोल एप्लीकेशन के अंदर पूरी कंसोल एप्लीकेशन बिल्कुल ऐसे ही साफ सुथरी बहुत मजे से गुजर जाएगी। ठीक है, तकरीबन 1 से 1.5 महीना भी हम कंसोल पढ़ेंगे तो वो बहुत आराम से गुजर जाएगा। लेकिन आगे जाके जब मसाइल होंगे, जब हम वेब एप्लीकेशन कर रहे होंगे उसमें जब हम जेसन एक्सएमएल या किसी कोई लाइब्रेरी डाउनलोड कर रहे हैं, वो लाइब्रेरी डाउनलोड नहीं होगी, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। तो इसके यार मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कम से कम 2017 यूज करें या 2015 कम्युनिटी से अबव, तो 2017 ही बना, 2017 यूज करें। और एसक्यूएल भी कम से कम 2012 यूज करें मिनिमम। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन रखें कम से कम और फिर आगे बढ़ें। ये मेरी एक बेसिक एप्लीकेशन बन गई। यहाँ मेरे पास टूल बॉक्स और कुछ दूसरे टूल्स हैं, यहाँ मेरे पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। ठीक है, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर मेरा प्रोजेक्ट है। ये देखो लिखा हुआ है ना कंसोल ऐप पर, ये मेरी एप्लीकेशन है। ठीक है, ये मेरी एप्लीकेशन का नाम है, इसके अंदर सारे मेरे फाइल्स हैं, फोल्डर हैं। अभी मैं इसके अंदर आप लोगों को सिखाऊंगा क्लासेस कैसे बनती हैं, बेसिक जो क्लास है प्रोग्राम डॉट सी एस की वो बन गई है, ये क्या होती हैं, क्लासेस कैसे बनती हैं, किस तरह से इनमें काम हो रहा होता है। ठीक है, अभी हमने ये भी सीखना है। ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये भी देखेंगे किस तरह से होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने फर्दर फर्दर देखना है। लेट्स से एक प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से रन होता है, मुझे छोटा सा सेंटेंस पास करना है यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ मैं लिखूँ हेलो वर्ल्ड और वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो मैं लिखूँगा COnsole कंसोल डॉट, कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैंने यहाँ पे क्या किया, अब इसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो मैं लिख देता हूँ कि हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल F5 प्रेस करूंगा, या फिर यहाँ पे ये जो बटन है ना स्टार्ट का, देखना ये प्रेस करूंगा तो क्या होगा, स्टार्ट बंद हो गया, फॉरन प्रोग्राम बंद हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो मेन है ना, जो कुछ इसमें होता है वो चलता है, और ये स्क्रीन फॉरन बंद हो जाती है अगर आप इसको रोको ना। तो आप क्या प्रेस करो, यहाँ पे लिख दो कंसोल डॉट अब यहाँ पे लिख दो कंसोल डॉट रीड की बस। और अब आप क्या करो, स्टार्ट का जो बटन है ना तो क्लिक करो, टेक्स्ट की बटन है। तो देखो अब क्या लिखा आ रहा है, अब वहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है और स्क्रीन रुक गई है, स्क्रीन आगे भी नहीं बढ़ रही है। नहीं, ऐसा भी नहीं कि स्क्रीन जो है वो आपको टर्न ऑफ हो गई या स्क्रीन जो है वो बंद हो गई। ठीक है, एक मिनट मुझे देना, मैं स्क्रीन अटेंडेंस का स्नैपशॉट ले लूँ। मीटिंग वैसे भी किसी भी वक्त ऑफ हो जाएगी, अब जितने भी लोग हैं यार उनकी अटेंडेंस लग जाएगी, और जो नहीं आए तो अल्लाह ही मालिक है उनका। मैं बहुत मरतबा कहता हूँ कि भाई मैं तो इतना फेवर भी दे दिया कि 4:30 की जगह मैंने 4:45 कर लिया, लेकिन अब इतना भी नहीं कि मतलब अभी 5:30 बजे कोई आए क्लास के अंदर, इतना तो नहीं हो रहा। ठीक है, और आज 16 तक में अब देखो अभी जो मेरी एप्लीकेशन है ना, वो इस तरह कह सकते हैं कि हम रन रन मोड में, अभी जो मेरी एप्लीकेशन है वो इस वक्त रन हो रही है, तो
ठीक है, और अभी जो मेरी एप्लीकेशन है उसकी जो कंसोल स्क्रीन है एक्सपायर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने अभी कंसोल और रीड की लिखा है, तो क्या हुआ उससे मेरी स्क्रीन जो है वो एक्सपायर नहीं हुई, और अभी अभी तक रनिंग कंडीशन के अंदर आ रही है कि जी अभी तक ये जो स्क्रीन है ये चल रही है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। सही है। और अच्छा, हम फर्दर इसके अंदर ये भी देखेंगे वेरिएबल्स किस तरह बदलते हैं, कैसी कौन सी चीज़ क्या होती है, कौन सी चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही होती हैं। ठीक है, बट अभी आज हम थोड़ा सा हल्का रख रहे हैं, आज हमने इंट्रोडक्शन किया है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम अब मजीद बाकी चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ रही हैं चीज़ें, और ये जो सारा काम है किस तरह से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जब तक ये ऐसा करते हैं कि आप लोग चाहो तो आप कर लो, ठीक है, और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम ये देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होती हैं वेरिएबल्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे, ठीक है, और वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उन्हें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम आगे जाकर। तो अब फिलहाल अभी तक के लिए इतना रखते हैं, और बाकी जो चीज़ें वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, और ये देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में वही वेरिएबल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ वही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, हमें दोबारा से सी लैंग्वेज की बेसिक चीज़ें है ना अभी वो पढ़नी है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वही सारी चीज़ें दोबारा से, वो चीज़ जल्दी बस कोशिश ये करनी है कि वो चीज़ें जल्दी जल्दी कवर करें, ताकि फिर आगे की जो चीज़ें हैं आगे की जो क्लासेस के कॉन्सेप्ट हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे अच्छे होने चाहिए। अच्छा, सी लैंग्वेज के अंदर, सी शार्प के अंदर मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ, मैं हर चीज़ कवर करूँ, लेकिन कोशिश मैं सब कर सकता हूँ जब आप लोग मुझे आउटपुट ये दे रहे हो कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर मैं कोई टास्क दे रहा हूँ, मैं कोई काम दे रहा हूँ, तो आप लोग मुझे प्रैक्टिस की सूरत में जल्दी जल्दी करके दे रहे हो, यानी अगर मैंने आज दे दिया तो आप मुझे कल सबमिट करा दो, या रात को अगर मैंने 2-3 बजे का टाइम दिया तो मुझे रात में करा दो सबमिट। ठीक है, तो यार मैं इसलिए कर सकता हूँ, वरना अगर मुझे लगेगा कि काम नहीं आ रहा तो मैं समझूंगा समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं वही हल्के हल्के पढ़ाऊंगा, या तो देर हो जाएगी या तो सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो पाएंगे। तो अब तो एक काम होगा, अगर तो ऐसा है हम नॉर्मल पेस में चल रहे होंगे, अगर मुझे लगेगा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं आप लोग और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं हल्के भी चलूंगा, टॉपिक जल्द मैं अपने ड्यू टाइम में कवर भी कराऊंगा, और क्लासेस को थोड़ा सा हम लंबा कर देंगे। कोई मुझे मैसेज करो, 10 मरतबा मैसेज करो पूछने के लिए, मैं बताऊंगा, लेकिन कोशिश करो कि इनपुट दो कम से कम। ठीक है, फिलहाल अभी आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं आगे चल के वेरिएबल्स वगैरह और ये सारी चीज़ें। आज हमने एक सिंपल एप्लीकेशन बनाना सीख ली, ठीक है, कि किस तरह से एक सिंपल एप्लीकेशन बनती है। नेक्स्ट क्लास में तो इसको थोड़ा सा मजीद डिस्कस करेंगे, सही है, मजीद चीज़ें देखेंगे, अभी मजीद एक्सप्लोरेशन जो है ना सी शार्प की रहती है, बहुत अभी सी शार्प में बहुत चीज़ है, समझ लो अभी कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने, अभी सी शार्प बहुत रहती है। ठीक है, और बस यही है कि कोशिश करो कि भाई स्टार्टिंग के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इससे पहले पहले के जो कॉन्सेप्ट हैं वो जल्दी जल्दी कर लें, जो कि हमने पहले भी पढ़े हुए हैं सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट जल्दी कर लें, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगाएं, उसको ज़रा अच्छी तरह से समझें, और वो किस तरह से कंप्लीट करने हैं, किस तरह से कवर करने हैं, उनको ज़रा देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और साथ ही साथ में हम क्या कर देंगे उसके साथ ही साथ में इस फाइल को, मैं फिलहाल अभी क्लास को एंड कर रहा हूँ यार, ठीक है, क्योंकि अगर मैं अभी इसे वो टॉपिक छेड़ूंगा तो फिर क्या होगा, वो टॉपिक लंबा हो जाएगा, क्लास बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए वो टॉपिक मैं एक ही क्लास में करा दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, अरिथमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर एक ही क्लास में हो जाए तो बेहतर है। यार आज हमने इंट्रोडक्शन किया है, सी शार्प स्टार्ट किया हमने, हाँ आज हमने इंट्रोडक्शन किया है, अब नेक्स्ट क्लास से बाकायदा हम कोड करना स्टार्ट करेंगे, उसमें भी बेसिक थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं। हाँ, यह रिकॉर्डिंग हो रही है अभी भी।